सब्सक्राइबर है भाई, ये भी है। पहली बार देख रही हूं दोस्तों। अभी जा रहे हैं हम मार्केट की, और आज आपको पता है हमें प्रधानमंत्री कौशल योजना से फैसला किया है, ये आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 10, अभी जा रही हूँ मैं चम्बा मार्केट की। और यहाँ देखो, फर्स्ट मैंने हाथों पे मेहंदी लगाई थी, कैसे लग रही है मेरे हाथों में मेहंदी। और ये रहा कुछ इस प्रकार का डिजाइन, डिजाइन का पता ही नहीं चल रहा। तो पता है मैंने मीशो से मंगाया था कुछ, जिससे डिजाइन बनाऊँगी। ये चिपकाने वाले मंगाए थे मैंने मीशो से, क्या बोलते मेहंदी स्टिकर जो भी है वो लगाए मैंने अपने हाथों में, तो सही से नहीं लगा। और वैसे भी बेकारी है ये चीज़, मतलब इससे अच्छा तुम अपने हाथों से जैसा भी डिजाइन करते हो वो सही लगता, बट ये मुझे कोई ख़ास नहीं लगा इसका रिजल्ट भी, और ये भी कुछ ख़ास नहीं लगा मुझे। अभी बच चुके हैं 2:42, मैंने खाना भी खा दिया है। और आज तो खैर मैंने रोटी खाई, चावल नहीं बनाए, क्योंकि चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, मैंने तो चावल नहीं बनाए। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेरा सीसा स्टैंड भी कम्प्लीट हो गया है। अब बनाने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा। इसको बनाने में लगे मुझे 3-3.5 दिन। बुनाई भूल गई थी मैंने इसको खोला और फिर बुनाई की बात तो ऐसे ही हो रहा था मेरे से, बट कोई नहीं, अब लगाऊंगी मैं इसको वॉल पे और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा मेरा सीसा स्टैंड। अगर आप लोग ये बनवाना चाहते हैं मुझसे तो कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, कमेंट करके बताना। ये है ऑरेंज कलर का धागा, इससे बनाऊंगी मैं गणेश जी। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी वो भी ला रखे मोतियाँ, मोती ये देखो इतनी सारी ला रखी गणेश जी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं कुछ लाई थी अपने लिए मार्केट से, इनको फिनिश करती हूँ। मेरे फेवरेट पता है क्या है? डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, दोस्तों कितना प्यारा लग रहा ना मेरा सीसा स्टैंड, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सीसा स्टैंड मैंने बनाए। वाओ यार, अभी मैंने थोड़ा सीसा की सफाई की तो तभी मैं चमकदार लग रही यहाँ पे, चमक चमक। बाहर से ना मेरा कुकर भी सिटी देने लग गया, क्योंकि आज बनाने वाले हैं हम राजमा चावल स्पेशल। दिन को मैंने भात नहीं बनाया था, तो अभी रात को मेरा भात खाने का मन किया तो मैंने भात बना दिया बाहर पे। अभी तो उबल ही रहे हैं मेरे राजमा, थोड़ी देर में उबल जाएंगे। अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। पहले ना हम गए थे घूमने के लिए चंबा की सुरंग की, और मैं और एक दीदी, वो दीदी कौन है आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था उनके सामने, तो उनका चेहरा। अभी बच चुके हैं सुबह के 9, अभी जा रही हूँ मैं सिलाई सेंटर में। 2-3 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाने का मेन रीज़न मैं बताऊंगी वीडियो के एंडिंग में। तो सिलाई सेंटर में चलती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है दोस्तों। अभी जा रहे हैं हम मार्केट की, और आज आपको पता है हमें प्रधानमंत्री कौशल योजना से ये बैग मिले। सब अपने अपने बैग हम सारी औरतों को ये बैग मिले, मैं ये देख सकते प्रधानमंत्री कौशल योजना से मिले हैं। मैं तो पड़ोसी हूँ, सब्सक्राइबर भी ये सब सब्सक्राइबर है, और मेरे साथ सिलाई सीखते थे सबके साथ। जल्दी से चलो यार, मुझे मिले मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई, ये भी है। पहली बार देख रही मैं इनको सेंटर में, आज से पहले नहीं आई पता, मेरी जेठानी ही है सब्सक्राइबर। पहले इसमें जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर होके सीढ़ियों से है और फूल की तरफ जा रहे हैं। ससुर ये तो उलट बहुत मैदान फिर से कर हाँ जो
तो पता नहीं यार मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा क्यों होता, फिर से मेरा सर दर्द होने लग गया और मैं लेने वाली हूँ अब एक फैसला। फैसला क्या है ये आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों टाइम भी आ गया है वीडियो को एंड करने का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं सोनी नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय। और जो फैसला मैं लेने वाली हूँ वो मेरे लिए लाभदायक है और मेरे घर वालों के लिए भी लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।